بلغنا رمضان अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी हां, कैसे उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरे तमाम स्टूडेंट्स को रमज़ान शरीफ बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक हो और रमज़ान शरीफ का तीसरा रोज़ा भी बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक हो। उम्मीद करते हैं कि रमज़ान शरीफ आपके लिए और हमारे लिए खुशियों का महीना बने। बहरहाल आज की स्टूडियो के अंदर अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के तलबा के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है जो कि आज की स्टूडियो में आपके साथ शेयर कर दूंगा। यूनिवर्सिटी की तरफ से एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा फैसला यूनिवर्सिटी ने जारी कर दिया जिसकी वजह से तमाम जो तलबा हैं वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएंगे। तो आज की स्टूडियो में इसी हवाले से डिस्कस किया जाएगा। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आप अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं आपने इसी वीडियो में कमेंट कर देना, इंशाल्लाह उस कमेंट के ऊपर आपको एक वीडियो मैसेज दे दिया जाएगा। अगर आपको वीडियो मैसेज नहीं मिलेगा तो उसी कमेंट में आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा। तो बगैर आपका टाइम वेस्ट करते हुए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, बी एस चार साल प्रोग्राम वाले, बी एड 1.5 ईयर, बी एड 2.5 ईयर, बी एड 4 ईयर, एडी यानी कि एसोसिएट डिग्री इन एजुकेशन कॉमर्स बिजनेस और बीबी वाले जितने स्टूडेंट्स हैं, इन्होंने अपनी असाइनमेंट जो है वो आगाही एलएमएस पोर्टल के ऊपर अपलोड करनी थी जिसकी लास्ट डेट 3 अप्रैल 2022 थी। तो काफी ज्यादा ऐसे तलबा थे जिन्होंने अपनी असाइनमेंट 1 भी अपलोड कर दी थी, असाइनमेंट 2 भी अपलोड कर दी थी और कुछ ऐसे अक्सर तलबा थे जिन्होंने अभी तक अपनी असाइनमेंट अपलोड नहीं की थी। कुछ का ये इशू आ रहा था कि उनका यूजर नेम और पासवर्ड नहीं लग रहा था, कुछ का ये इशू आ रहा था कि उनके कोर्स कोड अपडेट नहीं हो रहे थे। अगर आपका यही अगर आपका यूजर नेम और पासवर्ड नहीं लग रहा या आपको यूजर नेम और पासवर्ड नहीं मिला या कोर्स कोड अपडेट नहीं हुआ, इन तीनों सवालों का एक ही सलूशन है कि आप अपने रीजनल ऑफिस को ईमेल करें। अगर आप ईमेल नहीं कर सकते तो अपने रीजनल ऑफिस को विजिट करें, जल्द अज जल्द विजिट करें। तमाम जो सीएमएस की और एलएमएस की डिटेल्स होती है ये आपके रीजनल ऑफिस वालों के पास होती है, हमारे पास नहीं होती। आप कमेंट करते हैं, मैं कमेंट रीड करता हूं लेकिन हम इसका सलूशन नहीं बता सकते। यही सलूशन है कि आपको वहीं जाना पड़ेगा, आप लोगों के तमाम अकाउंट उनके पास सेव होते हैं। अगर आपने पासवर्ड भी चेंज कर दिया है फिर भी वो ठीक कर सकते हैं। तो हमारी वीडियो का टॉपिक ये नहीं, हमारी वीडियो का टॉपिक ये है कि 3 अप्रैल लास्ट डेट थी असाइनमेंट की लेकिन फिर भी अलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने तुलबा को रिलीफ दिया, रिलीफ ये दिया तो उन्होंने अभी तक असाइनमेंट जमा करवाने का जो बटन है उसको ऑन किया हुआ, उसको ऑफ नहीं किया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि आप अभी तक अपनी असाइनमेंट जो है उसको अपलोड कर सकते हैं। अभी यहां पर सवाल यह पैदा होगा कि यह असाइनमेंट का बटन कब तक ओपन रहेगा, तो इसके हवाले से कोई भी डिटेल यूनिवर्सिटी ने शेयर नहीं की। आप लोगों ने इस हवाले से परेशान नहीं होना, आपको जब टाइम मिले आपने अपनी असाइनमेंट जल्द अज जल्द अपलोड कर देनी है। आपने ये नहीं देखना कि लास्ट डेट कब तक होगी। जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ उसी तरह आप जल्दी जल्दी अपनी असाइनमेंट जो है वो अपलोड कर लें। हो सकता है कल, हो सकता है आज ही आपका लिंक जो है वो ऑफ कर दिया जाए। जल्द अज जल्द अपनी असाइनमेंट अपलोड कर दें। यूनिवर्सिटी की तरफ से तुलबा को ये रिलीफ दिया गया है। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। मुझे दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज़।